कहे जाने वाले इंदौर में आगामी 10 नवंबर को टेलीविजन के प्रतिष्ठित अवार्ड आईटा का आयोजन होने जा रहा है। कई सालों से ये अवार्ड्स मुंबई में आयोजित हो रहे हैं। 10 नवंबर को ये अवार्ड्स नेहरू स्टेडियम में आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग, जनसंपर्क विभाग और सांस्कृतिक विभाग हिस्सा लेगा और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह जानकारी प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इंदौर में एक निजी होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इंदौर में नवंबर में आयोजित होने वाले भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स में फिल्म और टेलीविजन की कई मशहूर हस्तियां शिरकत करेंगी। मध्य प्रदेश में होने वाले इस अवार्ड समारोह से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदेश की संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इंदौर में होने जा रहा है 10 नवंबर को, और उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को, इस पूरी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए अनुमति दे दी है। और मैं समझता हूँ कि वो 7th अवार्ड में शायद आपके गए थे, भी यहाँ देखा, तो वहीं से वो आईटीए से ज़्यादा परिचित हुए होंगे। उनको लगा कि ये मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, और इनका आभार इसलिए मानना चाहता हूँ, पूरी टीम का, सोनी और आईटीए का, कि मुंबई से बाहर ये कभी अवार्ड सेरेमनी हुई नहीं है। ये पहली बार इंदौर में होने जा रही है, जिसको हम मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मिनी मुंबई। इंदौर हमेशा मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में, और जो एक्टिविटीज़ बॉम्बे में, मुंबई में चलती है, वो एक्टिविटीज़ के, चाहे कमर्शियल हो या दूसरी, बहुत क्लोज है। ये इंदौर हमारा मध्य प्रदेश का शहर, जो मैं समझता हूँ कि रणजी आजकल जो विभाग उनके पास है, उसमें ये नगर निगम वगैरह भी आते हैं, जो स्वच्छता में नंबर एक पे आया निश्चित तौर पर, और एक ऐसा सुंदर शहर है हमारा। और यहाँ ये अवार्ड नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद रहेंगे, और उसमें परिकल्पना ये है सरकार की हमारी, कि जो मध्य प्रदेश का कल्चर है, क्योंकि इसमें हमारा कल्चर विभाग, हमारा जो टूरिज्म विभाग, ये भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का कल्चर मध्य प्रदेश का, जो कि बहुत ही रिच है, वो भी इस आपके प्रोग्राम में, रंजन साहब, मैं चाहूँगा कि उस सब चीज़ों का भी स्टेज से प्रदर्शन हो। और मैंने अभी एक चीज़ और कही रंजन जी से, कि 2 अक्टूबर से 150वीं वर्षगांठ है महात्मा गांधी की, कहीं कहीं उससे भी जुड़े, जो कि जो राष्ट्रसंघ तक उसको इस साल 2 अक्टूबर को अपना रहा है, और उनके यहाँ भी इसके फंक्शंस हैं, और महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में ही बहुत आए। और दूसरा, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, इनका एक भूमिका रही है। अभी एक हिंदी दिवस का प्रोग्राम था, तो वहाँ काफ़ी लोग जो उसके प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स थे हिंदी के, तो मैंने कहा उसमें कि इस देश के अंदर हिंदी को दूर दूर तक ले जाने में, और विदेशों में भी ले जाने का किसी का हाथ है, तो एक संस्था ये टेलीविज़न और फिल्म है, जो जिसकी वजह से लोग, नॉन हिंदी स्टेट के लोगों ने भी और बाकी लोगों ने भी, और इवन रशियंस तक लोगों ने इसको, हिंदी को अडॉप्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में होने जा रहा है, और खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के, जैसा अभी बताया, विजय घाटगे जी को देखा है हमने भी बहुत टीवी पे, फिल्मों में भी देखा है, शुभांगी जी को तो इस समय चीज़ मोस्ट पॉपुलर, और अभी तक कहते थे कि भाभी जी घर में, अब तो कहेंगे भाभी जी मध्य प्रदेश में ही। तो ये और इंदौर की हैं, यहाँ के आसपास जो मुझे जानकारी है कि छोटी सी जगह से आई और इतने हाइट पे पहुँची है, रागिनी जी स्टार है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंदौर इन सब चीज़ों से अछूता नहीं रहा है, और इसीलिए इसको मिनी मुंबई या मिनी बॉम्बे कहा गया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ की और ओके किया है,
कि हमारे जो मध्य प्रदेश के लिए आदरणीय गोविंदा जी जो फिल्म स्टार हैं वो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे और बहुत जल्दी उनसे कॉन्टेक्ट होके वो मध्य प्रदेश की जो कल्चर जो प्रोग्रेस है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में जो कुछ भी हो रहा है उस सबको प्रदर्शित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न जो है ये घर घर की फिल्म है जो फैमिलीज साथ बैठ के देखते हैं बच्चे से लेके बूढ़े तक। और निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा ये स्मृति ईरानी जो यहाँ तक पहुँची है टेलीविज़न में नहीं गई होती ज़िंदगी भर नहीं पहुँचती, पहुँचने का ये टेलीविज़न एक माध्यम रहा है। तो ये घर घर तक जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ये सब मीडिया से जुड़े हुए लोगों जो पार्षद होता है वो घर घर पहुँचा हुआ होता है, तो जब विधायक ऊपर हो जाएगा थोड़ा कम हो जाता है, सांसद है तो और कम हो जाता है। तो ये टेलीविज़न और ये पार्षद ये बिल्कुल को हैं, ये घर घर पहुँचे हुए स्टार होते हैं। जैसा अभी रंजन जी ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग इसमें जो इनके अवार्ड है उसमें लोगों को वोटिंग करते हैं और उसके माध्यम से आते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और न जाने कितने 90,000 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और 1,00,000 के आसपास लोग इससे रोजगार जुड़े हुए हैं और अपना परफॉर्म कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चीज़ है। और मध्य प्रदेश में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल में हम बहुत जल्दी एक फिल्म सिटी, ये हमारा एक कंसेप्ट है फिल्म सिटी आया है भोपाल में। वैसे बहुत सी शूटिंग हुई है चाहे टेलीविज़न के लिए हो चाहे फिल्म के लिए हो, और बहुत क्विक होता है, उन्हें किसी भी डिसीजन लेने के अंदर बहुत समय नहीं लगता है। तो उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि सरकार और इस इंडस्ट्री के साथ एक तालमेल करके हम किस तरह से स्टेट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो धन्यवाद ही हूँ मैं इनका कि वो इतना जल्दी और इतना अच्छा डिसीजन ले पाए। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन के सचिव पी नरहरि, आईटीए की अध्यक्ष अनुरंजन, संयोजक शशि रंजन, टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे, एक्टर विजय घाटके और कथक डांसर रागनी मक्खर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।